नमस्कार, मैं कशिश और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत। किसान नेताओं ने मोदी सरकार को दी बड़ी धमकी। एक बार फिर से देश का पूरा माहौल गरमाया हुआ है और अब वही राकेश टिकैत की आंदोलन में एंट्री सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। देखा जाए यहाँ पर तो साथ ही मोदी सरकार को चौकन्ना करते हुए लगातार धमकियां दी जा रही है। इसमें कहते हैं कि सरकार जरा धमका कर किसानों की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन वहीं पर हम MSP का कानून चाहते हैं, ये बात राकेश टिकैत कह रहे हैं। अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन और भी बढ़ता नजर आएगा। टिकैत ने सरकार और उद्योगपतियों के बीच मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। अगर वही एक तरफ देखा जाए तो किसानों की मांग बस MSP को लेकर थी, लेकिन अब तमाम मांगों के साथ किसान यहाँ पर उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। ये लगातार इल्जाम यहाँ पर सरकार लगा रही है, जो 2024 से पहले सरकार के लिए बड़ा खतरा बनती हुई नजर आ रही है। बताया ये भी जा रहा है कि सरकार लगातार किसानों की वापसी को लेकर कोशिश यहाँ पर करती हुई दिख रही है। वही अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो हमने आपके साथ तमाम तस्वीरें और जानकारियां लगातार साझा की है। हमने आपको यहाँ पर सब बताया कि आखिरकार किसान किस परेशानी में है, पुलिस के लिए क्या दिक्कतें हो रही है और किसानों के हक को लेकर लगातार बात की जा रही है। लेकिन अब वही बदलती सिचुएशन या परिस्थितियां कह लीजिए देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले मोदी सरकार वर्सेस किसान हो रहा है। आपको बताते चले कि हालत इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि अब तक किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने भी दावा कर दिया है कि आंदोलन में अब तक 400 से ज्यादा किसान घायल हो चुके हैं। और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो काफी पुलिस कर्मियों को भी गंभीर चोटें आई है, और लेकिन नेता ने ये कहा कि हमारे खिलाफ पूरी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है और हमने इस मुद्दे को सरकार के सामने काफी दफा उठाया है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी लगातार बंद किया जा रहा है, हमें पूरी तरीके से घेरेबंदी में लाया जा रहा है, हमें एंटी नेशनल तक कहा जा रहा है, हमारे 70 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए हैं, सरकार हमारी आवाज को बंद करना चाह रही है, हम दिल्ली जाने के फैसले पर कायम हैं और हम जल्द ही दिल्ली कूच करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वही सरकार लगातार एक के बाद एक बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ रही है, जिसमें देश की आम जनता को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस तरीके से तमाम जानकारियां दी जा रही है। लेकिन देखा जाए यहाँ पर तो सिर्फ पंजाब के यहाँ पर किसान है जो यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं और दूसरी तरफ राकेश टिकैत की धमकी। अब आने वाले समय में देखना है कि क्या एक बार फिर से मोदी सरकार को किसानों के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे या फिर जल्द ही यहाँ पर किसान वापसी करते हुए नजर आएंगे। लगातार हम आपको बड़ी अपडेट्स दे रहे हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं अपने वीडियोस के माध्यम से कि आखिरकार हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, क्या सच्चाई है और क्या देखना चाहिए। अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर जो किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, जो किसान आने की बात करें, क्या वो सच में MSP की मांग सही कर रहे हैं या फिर तमाम और जो मांगे वो सही है। अगर नहीं है तो उस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा और देखते रहिए लीडिंग भारत।